तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सालार वर्सेस डंकी मूवी क्लैश के बारे में और बात करेंगे हमारे ओलंपिक चैंपियंस के बारे में, जहां एक तरफ साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है और हमारी मांग थी महिला प्रेसिडेंट की कि महिला प्रेसिडेंट होगी तो शोषण नहीं होगा, लेकिन ना पहले महिला प्रेसिडेंट ना महिला का कोई भागीदारी थी। आज आप पूरे इलेक्शन उसकी लिस्ट उठा के देख लो, एक भी महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया। और दूसरी तरफ बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री अवार्ड पीएम आवास के बाहर रख दिया है। आपको शुरू से बताता हूँ आखिर ये सारे रेसलर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये बात है इसी साल जनवरी 2023 की, हमारे देश की जो महिला कुश्ती पहलवान है उनके साथ कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद महिला पहलवानों ने अपना आंदोलन शुरू किया, लेकिन अभी तक इस केस में रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। इसके बाद अभी एक और न्यूज आई है, ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनने से कुछ रेसलर नाराज हैं। अब स्टार रेसलर बजरंग पूनिया ने भी एक बड़ा कदम उठाते हुए अपना पद्मश्री अवार्ड लौटाने का फैसला किया है। बजरंग ने सोशल मीडिया पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। आप एक बार ये सोच कर देखिए कि हमारे देश के चैंपियंस का क्या हाल है। इस केस को एक साल होने वाला है और अभी तक सरकार ने इस केस को एक साल होने वाला है और अभी तक सरकार ने इनको न्याय नहीं दिला पाया। और अब बात करते हैं प्रभास की सालार और शाहरुख खान की डंकी मूवी के बारे में। देखिए, एक तरफ बॉलीवुड के नंबर वन डायरेक्टर तो दूसरी तरफ केजीएफ डायरेक्टर, या फिर ये कहूँ बस साउथ वर्सेस बॉलीवुड क्लैश। देखिए, दो बड़े सुपरस्टार एक ही दिन मूवी रिलीज करेंगे तो किसी एक मूवी को नुकसान होगा ही होगा, और ये नुकसान हुआ है शाहरुख खान की डंकी मूवी को, जहां सालार ने ओपनिंग डे पर 100 से 110 करोड़ का कलेक्शन किया, वहीं दूसरी तरफ डंकी ने 30 से 35 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाया। वैसे आप दोनों में से कौन सी मूवी देखने गए थे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।